अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है तो ये दो बॉलीवुड की अंडररेटेड मूवीज देखना मत भूलना। सबसे पहले आयुष्मान की अनेक, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है जोशुआ, जो कि अंडर एजेंट बनकर एक मिशन पे जाता है। वहां पर हम एक लड़की की स्टोरी फॉलो करना स्टार्ट करते हैं जो कि इंडिया के लिए बॉक्सिंग खेलना चाहती है, बट प्रॉब्लम यह है कि उसे इंडियन ही नहीं माना जाता, सभी उसे चाइनीज बोलकर बुली करते हैं। हर इंडियन को ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इंडिया का भी एक ऐसा पार्ट है जिसमें इस तरह का स्ट्रगल चल रहा है, तो एज ए इंडियन तुम्हें ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। दूसरी मूवी की अगर हम बात करें ना, तो भाई साहब एकदम दृश्यम वाली वाइब देती है ये, क्योंकि इस मूवी के अंदर ना ही तो बहुत बड़े बड़े एक्टर है और ना ही बहुत बड़ा इसका बजट है, फिर भी इस मूवी ने अंदर से हिला डाला। एक स्कूल टीचर रिटायर्ड होते जो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर में कुछ बच्चों को ट्यूशन देके अपना गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन अपने बच्चे को हायर स्टडीज के लिए बाहर विदेश में भेज रखा है। अब इसी बीच में हो जाता है किसी एक बंदे का मर्डर। एक टीचर का दिमाग कितना ज्यादा शार्प होता है। इस तरह की मूवीज को एक बार तो अपनी लाइफ में जरूर देखनी चाहिए। मूवी का नाम है वध।